नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आप देख रहे हैं रॉयल एक्सप्रेस न्यूज। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं मुंबई की इस खबर पर। ललित कला एकेडमी का परिचय देने से पहले मेरे इस एग्जीबिशन के बारे में पहले दो शब्द कहूँगा। इस प्रदर्शनी का मेरा ये विषय रहा, मैं खुद इंसान हूँ इसलिए मेरी ज़रूरतें क्या है और मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। मुझे ऐसा लगता है सभी प्राणी पशु पक्षी हमारे साथी हैं, ये सृष्टि उनके सिवा अधूरी है। मॉडर्नाइजेशन के साथ कंक्रीट के जंगल में ये जो भाईचारा, ये रिलेशनशिप, ये हमारा जो संवाद है ये टूटते जा रहा है। इसके प्रतीक में हर स्कल्पचर में मैंने अलग अलग विषय के साथ मेरा स्कल्पचर जोड़ा है। आप उस नज़रिए से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे शिव पार्वती का एक नाता है, नंदी ये उनका वाहन है और नंदी ये सारथी है, या हमारे आंगन में आने वाला हर पंछी हमारे जीवन का एक अंश है, चाहे वो चिड़िया हो, वो पैरट है या कोई कौवा है, ये हमारे संस्कार के नज़दीक है, काव्य में आते हैं, हमारे बच्चों के संस्कार में हम बताते हैं कि ये क्यों चीज़ें हैं हमारे जीवन की। कई बारे में हमको इसका पता चलता है, ये जब नहीं होते तो हम अस्वस्थ होते, क्यों? वो एक सृष्टि का ही पार्ट है। और ये हर एक मेरे स्कल्पचर में आप देखेंगे, वो कुछ बर्ड के स्कल्पचर है। मैं अभी बता रहा था कि हम लोग आंदमान गए थे जब मैंने वहाँ स्वतंत्र ज्योत बनाया, और वहाँ एक फांसी देने की जगह थी, वहाँ पे जो नौका थी वो नौका पे एक महिला थी और वो पंछी के लिए कुछ दाने लेके हाथ में जा रही थी। जैसे किनारा नज़दीक आ गया तो उन्होंने अपना बैग खोलना चालू किया तो करीबन 20-25 पंछी अलग अलग जाति के उसके कंधे के ऊपर आके बैठे। आज मेरे दो स्कल्पचर है जो पंछी है, मतलब उसके अपने बच्चे जैसे चिपक के बैठे हैं। ये रिलेशनशिप होता है, ये जीवन होता है। तो ये नंदी यानी भगवान शिव जी का ही नंदी है। हर किसान के द्वार में उसका खेती करने वाला साथी, हमें धान देने वाला नंदी, खेती को पानी देने वाला नंदी, उसकी देखभाल हम लोग जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसको जाके बाजार में बेच डालते हैं, कहाँ मानवता जाती है? ये सवाल खड़ा करता है मेरा स्कल्पचर। इस एंगल से आप देखेंगे तो नेचर में जो हमारा जो रिलेशन है सृष्टि के साथ में, वो साथ में चलना चाहिए, तभी इसकी परिपूर्णता है। दूसरा विषय ललित कला एकेडमी का, ललित कला एकेडमी के इस देश में पूर्णता 6 और ऐसे 11 अप टू 11 ऐसे 5 केंद्र है। ललित कला एकेडमी का सेंटर दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्रदर्शनी का पेंटिंग स्कल्पचर ग्राफिक का प्रमोशन के लिए राष्ट्रीय प्रदर्शन होता है, उसका आयोजन हर साल करना, राष्ट्रीय स्कॉलरशिप का आयोजन हर साल करना, चुनाव करना, अच्छे वर्क के लिए उनको स्कॉलरशिप देना, हर 3 साल के बाद एक त्रैवार्षिक भारत की प्रदर्शनी करना जिसमें देश दुनिया के 300-400 आर्टिस्ट सम्मिलित होते हैं, तो अपने देश से 500-700 आर्टिस्ट एक साथ में आते हैं। लास्ट ईयर से मैंने ट्राइबल नेशनल प्रदर्शनी बनाने का एक उद्दिष्ट प्राप्त किया है, और मुझे ऐसा लगता है हमारी जो जनजाति की जो कलाकृतियाँ है वो कलाकृति हमारी देश की पहचान है, उसके जो विषय है ये हमारे संस्कृति की धरोहर है। और आज हम आधुनिकता के नाम के ऊपर अगर दौड़ते हैं, पीछे मुड़ के देखिए, उनका हर विषय जो है जमीन से जुड़ा हुआ है। अलग विविधता है, अलग माध्यम है, अलग अलग कलर वो बना के काम करते हैं। ये देश का रियली पुराना आर्ट कल्चर है, इसी के लिए ललित कला एकेडमी ने विशेष रूप से इस साल हम लोग उन आर्टिस्ट लोगों को भी अवार्ड देंगे जो ट्राइबल आर्टिस्ट आते हैं।
मुझे ऐसा लगता है ग्राफिक की बेनाली भी इस साल में हमने आयोजन का तय किया है और त्रैवार्षिक भारत का भी काम आगे जा रहा है। यहाँ पे महाराष्ट्र में जो ललित कला एकेडमी का केंद्र की बात हम हर बार कर रहे हैं, कोई भी अवस्था में मेरे कार्यकाल में मैंने ये आर्टिस्ट महाराष्ट्र के आर्टिस्ट को प्रॉमिस किया है कि मेरे ही कार्यकाल में राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी की शाखा मुंबई में होगी और उसी के लिए सभी कलाकारों का जो आग्रह है, उनकी जो ताकत है, और महाराष्ट्र में करीबन 200-250 से ज़्यादा आर्ट कॉलेज है जिसका संचालन हमारे डायरेक्टर साहब करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सब ताकत जो कला क्षेत्र की है एक साथ आ जाती है तो सरकार जो फैसिलिटीज है, जमीन है, वो दे देगी और उसके लिए जो लगने वाला फंड है वो केंद्र सरकार से आएगा। मुझे ऐसा लगता है मेरे प्रदर्शन के साथ।